हेलो व्यूअर्स, आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। सो इस वीडियो को आखिर तक देखें, अगर पसंद आए तो इसको वो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी अबाउट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स स्टार्ट। ओके, इसके क्या निशानी होगी? उर्दू में रहा था, रही थी, रहे थे। ओके, एंड इंग्लिश में क्या वो होगा, स्ट्रक्चर होगा सिंपल टेंस बनाने में? सब्जेक्ट पहले आएगा, हैड बीन, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस वर्ब प्लस टाइम आएगा। ओके, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ये फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। ओके, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते जाए तो आपकी सेंटेंस खुद ब खुद ठीक होती जाएगी। ओके, सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला और इंट्रागेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस, हेड पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, देन क्वेश्चन मार्क्स आएगा। ओके, डबल इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डब्ल्यू एच क्वेश्चन यानी हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट, देन उसके बाद हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ओके, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इस तरह आप इस फॉर्मूले को फॉलो करते जाइए तो आपसे सेंटेंस कभी गलत नहीं होगी। ओके, व्हेन, यू, दे, ही, शी, इट, आई, सब के साथ हेड बीन लगेगा। ओके, दैट सिंपल फार्मूला। सो लो, कैसे इसको बनाएंगे डबल एच क्वेश्चन को, सेंटेंस को? व्हेन हैड इट बीन रेनिंग, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन स्लीपिंग। ओके, हाउ लॉन्ग हैड ही बीन स्लीपिंग, वेयर हैड दे बीन वर्किंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग व्हेन दे बीट यू, एंड व्हेन व्हेन हैड शी बीन स्लीपिंग। ओके, सो ये आप लोगों का डबल एच क्वेश्चन बनाने का सिंपल सा वो है, फार्मूला है। मैं पहले भी आपको पिछले स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। लेट्स मोर अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। ओके, नौकर 2 घंटे से गली में झाड़ू दे रहा था, द सर्वेंट हैड बीन स्वीपिंग इन द स्ट्रीट फॉर 2 आवर्स। ओके, हियर इज द सर्वेंट क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, help had been helping work sweeping man work with ing। okay, so this one ye aap logo ka positive sentence raha aur ye aap logo ka negative sentence raha aur ye interrogative sentence raha। okay, the servant had not been sweeping in the street for 2 hours, had the servant been sweeping in the street for 2 hours? okay, नौकर तो घंटे से गली में झाड़ू नहीं दे रहा था, क्या नौकर 2 घंटे से गली में झाड़ू दे रहा था, ऐसे आप बना सकते। ठीक है, मैं सुबह से ही आपका इंतज़ार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, हैड आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, इसमें आई क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, वेटिंग मैन वर्ब है विद आई एन जी। ओके, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेंस और फॉर किस किस के साथ लगेगा। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। बच्चे सुबह से नज़म ज़बान याद कर रहे थे, द चिल्ड्रन हैड बीन लर्निंग पोएम बाय हार्ट, चिल्ड्रन हैड नॉट बीन लर्निंग पोएम बाय हार्ट, हैड चिल्ड्रन बीन लर्निंग पोएम बाय हार्ट। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लर्निंग मैन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है आई एन जी फॉर्म में। ओके, सुबह से
सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। इट हैड नॉट बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। हैड इट बीन रेनिंग हैवीली सिंस मॉर्निंग। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इधर ट्रेनिंग क्या है? मेन वर्ब विद आई एन जी है। ओके, मैं 15 मिनट से तलबा को पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग टू स्टूडेंट फॉर 15 मिनट्स। आई हैड नॉट बीन टीचिंग टू स्टूडेंट फॉर 15 मिनट्स। हैड आई बीन टीचिंग टू स्टूडेंट फॉर 15 मिनट्स। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई सब्जेक्ट है, टीचिंग मेन वर्ब है विद आई एन जी फॉर्म में है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस।